हेलो गाइज, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। प्रिया प्रकाश बिना मेकअप के नजर आई, और वो तो पहचान में भी नहीं आती है बिना मेकअप के। और जो प्रिया प्रकाश रातों रात आंख मारते हुए ही फेमस हो गई थी, उनके बारे में कुछ खबरें और भी हमारे सामने आई है, वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं आज की न्यूज में। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। वीडियो ज्यादा अच्छी लगी प्लीज एक कमेंट करते हुए जरूर जाइए और एक लाइक भी ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। सो गाइस, प्रिया प्रकाश के बारे में तो आप जानते होंगे। प्रिया प्रकाश की जो एक वीडियो, एक मूवी की एक क्लिप बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, जिसमें वो आंख मारते हुए और एक आंख के साथ एक गन का साउंड का एक वीडियो सामने आया था। और उस वीडियो से, वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि हर एक के फेसबुक पे, हर एक के व्हाट्सएप पे, हर एक के स्टेटस पे ये वीडियोज घूमती रही, और रातों रात प्रिया प्रकाश को उस वीडियो ने वायरल कर दिया। उसके बाद प्रिया प्रकाश अपने फैंस के सामने हमेशा ही मेकअप में आती थी, पर हैदराबाद के एक एयरपोर्ट पे उनकी एक पिक्चर्स कैप्चर की गई। वो वहां पर अकेली ही थी, और उस वक्त उन्होंने ग्रीन कलर का टॉप और ब्लैक कलर की एक पैंट पहनी हुई थी और अकेली जा रही थी। और उस वक्त उन्होंने चश्मा डाला हुआ था और उनको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो उस वक्त विदाउट मेकअप में थी। प्रिया प्रकाश अभी बॉलीवुड में नजर आने वाली है और वो दो मूवी कर रही है। फर्स्ट मूवी है श्रीदेवी बंगलो। श्रीदेवी बंगलो के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी सामने आ रही है। लोग उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये मूवी श्रीदेवी के ऊपर आधारित है, पर उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का ये कहना है कि ये कोई भी श्रीदेवी के ऊपर आधारित नहीं है, हम इस चीज को मानने से साफ मना करते हैं। और सेकंड मूवी है उनकी लव हेटर्स, और उसमें भी वो नजर आ रही है, और उसके बारे में भी वो बहुत ज्यादा खुश है कि मैंने पहले भी मूवीज की है पर ये मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी जाएंगी, और मैं आशा करती हूँ ये सब मूवीज आप लोग हिट करवाएं। उनकी दूसरी मूवी जिसका नाम है लव हेटर, लव हेटर के बारे में उन्होंने बताया कि लव हेटर एक ऐसी मूवी है और उसमें मैं ऐसा किरदार निभा रही हूँ एक लड़की का, जो कि साइबर क्राइम के ऊपर ये मूवी आधारित है, और उसमें मैं काफ़ी सारे केसेस में फंस जाती हूँ और उसे निकलने की कोशिश करती हूँ। उसके आगे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि ये मूवी कैसी है। उसी के साथ उन्होंने एक मूवी के बारे में और भी बताया जिसका नाम है फाइनल्स। फाइनल्स के बारे में उन्होंने बताया कि फाइनल्स मूवी में मैंने एक गाना गाया है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, पहली बार मैंने ऐसा इस मूवी में गाना गाया, और इसी के साथ मेरा ये शौक है गाना गाना, और ये चीज़ यहाँ पर इस मूवी में पूरी हो रही है। और उसी के साथ मुझे शौक है डांस करने का, भरतनाट्यम का, और उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। प्रिया प्रकाश ने तमिल में एक मूवी की थी जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो आंख मारने वाली वीडियो थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, और उसके रातों रात ही प्रिया प्रकाश फेमस हो गई। पर ये मूवी तो फ्लॉप रही, पर उसके बाद हम लोग आशा करते हैं जब ये आगे मूवीज़ कर रही हैं वो सुपर डुपर हिट रहें, और जैसे ये काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि आगे से आगे बेटर करें और लोगों के दिल में वो जगह बना के रखें, और इसी के साथ ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। सो वैसे, अगर आप भी प्रिया प्रकाश के फैन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसके साथ हम लोग उनका पेट नेम भी बता देते हैं आपको। तो उनका पेट नेम है रिया, और रिया को उनके घर वाले पेट नेम से ही पुकारते हैं, उनके दोस्त उनको पेट नेम से ही पुकारते हैं। अगर आप उनकी नई मूवीज देखना चाहते हो, और अगर आप उनके फैन हो और आपने भी उनकी वीडियो देखी थी, क्योंकि हर जगह पे वो वीडियो फेमस हो गई थी और सब लोग देख रहे थे और उसकी कॉपी कर रहे थे और वीडियोज बना रहे थे, आंख से गन मारने का वीडियो बना रहे थे, आंखें क्लोज करके वीडियो बना रहे थे, काफी सारी ऐसी चीजें आई थी जो कि लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, इनकी स्माइल को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। उसके बाद ही इनकी एक एडवर्टाइजमेंट भी आई जो कि क्लोजअप में आया था, वो एडवर्टाइजमेंट भी काफी अच्छी गई, क्योंकि इनको देखा गया था वहां पर, एक मंच में भी देखा गया था, मंच एक चॉकलेट की एड थी उसमें भी इनको देखा गया था। सो गाइस, अगर आप प्रिया प्रकाश के फैन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर हमारी आज की न्यूज आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और साथ के साथ अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।